आपके प्रिंसिपल साहब ने बहुत इज्जत से, बहुत अदब से, बहुत मोहब्बत से मुझे बुलाया है और मैं उसका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों से मुझे इंटरेक्शन करने का उन्होंने मौका दिया है। मैं कोई तकरीर नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आपसे बातें करूंगा और मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस बातचीत में शामिल हो। एक बच्चा कल जो पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो आया था अब्दुल मलिक से, मौसा उसका नाम है, सर सैयद से पढ़ते हैं आया। कल का विनर अब्दुल रहमान, कल एक बच्ची बोली थी सनोवर इमरान और कुलसम, वो बाद में आज पार्टिसिपेट। इन लोगों ने जो प्रश्न उठाए या इनकी जो शंकाएं, इनके जो प्रश्न है, आज हमारी डेमोक्रेसी को जो 71वां गणतंत्र दिवस जो मना रहा है, वो सिर्फ इनके प्रश्न नहीं है, वो अब्दुल रहमान के प्रश्न नहीं है, वो अब्दुल मलिक के प्रश्न नहीं है, सनोवर इमरान के प्रश्न नहीं है, वो पूरे भारतीय गणतंत्र के प्रश्न है। वही हमारे एक राज्य के रूप में, एक सरकार के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर या एक अधिकारी के, एक लोक सेवक के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी हम सबकी ये साझी चुनौती है जो इन बच्चों ने उठाया है। जो सनोवर इमरान कल भी कह रही थी कि उसके अब वो कहे कि समय बहुत खराब चल रहा है, तुम अगर सच बोलोगी तो तुम जीत नहीं पाओगी। अब्दुल मलिक भी बहुत सारी बातें यहाँ पे कहा, अब्दुल रहमान ने भी कल बातें कही थी। डेमोक्रेटिक हमें जो डेमोक्रेसी में जो मतदान के महत्व पर और किस तरह के हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, जिनके कंधों पे हमारे गणतंत्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, गणतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनसे असहमति के स्वर। यहाँ एक बच्ची अभी आज भी आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जिसने एक व्यंग प्रस्तुत किया और उसने नेताओं के बारे में टिप्पणियां की। वो टिप्पणियां के बाशिंदों की, वो काबिले मुबारकबाद है ऐसे शख्स, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे मान को, हमारे सम्मान को कायम रखा है। आज की ये पीढ़ी जो कुछ सवाल जिसके जहनों में है, जिनकी जबानों में है, जबानों पर है, उन सवालों को सुनने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हमें से मेरी मुराद इस एस्टैब्लिशमेंट से है, उन सारे लोगों से है, सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं है, यहाँ के आवाम से है, यहाँ के जिम्मेदारों से है, जो समाज को चलाते हैं, समाज को बनाते हैं, मुल्क को बनाते हैं, मुल्क को चलाते हैं, सभी लोगों से। इस एग्री होना ये बुराई नहीं है, गवर्नमेंट से डिसएग्री होना, इंस्टीट्यूशन से डिसएग्री होना ये हमारी खासियत रही है। शायद यही वजह है कि किसी ने कहा है के निंदक नियरे राखियो आगन कुटी छवा है। तो जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, उनका अस्तित्व जरूरी है, उनकी रक्षा भी जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की चीज समाज से खत्म हो जाएगी तो हम समझेंगे हम जो भी कर रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, मुल्क सही दिशा में चल रहा है या नहीं, इसकी निशानदेही जो क्रिटिक्स हैं वही करते हैं। हम किधर जा रहे हैं, मुल्क किधर जा रहा है, आज का युग किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनको समझने की जरूरत है। यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो एक आवाज उठ रही है, मैं उनका उन्हें वेलकम करता हूं। और क्योंकि जो यूथ है, जो स्टूडेंट हमारा है, उसके अंदर आदर्शवाद बहुत है, नौजवानी में वो चीजें जो हमें हमारे मजहब ने, हमारे धर्म ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने